हाँ जी, हाँ जी, राधे राधे सभी को। कैसे हो सारे लोग? वेलकम टू आज का व्लॉग। और आज है संडे, तो आज देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। बाकी अभी जा रहा हूँ, सबसे पहले वही नहा धो के पूजा करनी है, और उसके बाद आज कुछ तो करना ही पड़ेगा लगता है। कहीं तो जाएंगे, मतलब आज कोई मंदिर तो चलना है, वरना कोई ना कोई मस्ती करेंगे आज। चलो चलते हैं सबसे पहले बाहर और देखते हैं, क्योंकि आज है संडे, लेट्स गो फंडे। सभी लोगों को मैं आ चुका हूँ मंदिर, कांच के मंदिर पे, और यहाँ पर करेंगे सबसे पहले माता की पूजा। और ये रही चाबी मंदिर की, और आज मकर संक्रांति, और आई थिंक आज सभी लोग बाहर गए हुए, तो शायद आज अच्छा व्लॉग नहीं मिल पाएगा तुमको, मतलब ज्यादा जगह नहीं जा पाएंगे। किसी मंदिर चलेंगे आज शाम के टाइम में, मंदिर चलेंगे और दर्शन करेंगे भगवानों के। फिलहाल अभी करते हैं माता की पूजा और चलते हैं। जी चलते हैं माता के मंदिर। हेलो बग्गू, बग्गू यहाँ से मंदिर का ताला खोलते हैं और आओ करते हैं माता की पूजा, लेट्स गो। अंदर रखूंगा ताला कोई ले गया तो, लेट्स गो। जय माता दी, माता हैप्पी मकर संक्रांति, लक्ष्मी माता हैप्पी मकर संक्रांति, एंड कैला मैया हैप्पी मकर संक्रांति, आप लोगों को भी हैप्पी मकर संक्रांति। मैं करता हूँ पूजा, फिर जाएंगे हम घर, उसके बाद शाम को चलेंगे मंदिरों के दर्शन करने के लिए। तो लेट्स गो, बाय बाय। 2000 years later। तो अभी शाम हो चुकी है, और शाम को मैं अपने पुराने घर वाली गली पे आ गया हूँ बाइक से, और अभी हम जा रहे हैं अपने यहाँ की तहसील दिखाते हैं आज तुमको। तो अपने यहाँ की तहसील दिखाते हैं, वहाँ पर जो लोग काम वगैरह होता है वो तुम जानते ही हो। तो आज तुमको अपने यहाँ की तहसील दिखाऊंगा, और मेरे साथ जो दो लोग जा रहे हैं, एक ये और एक ये दोनों जा रहे हैं मेरे साथ। गाइस, सो अभी मैं आ चुका हूँ अपने शहर की, अपने जगह की तहसील में, सिरसागंज तहसील। और ये देखो मेरे पीछे जो तुमको दिख रही है ना, वो जगह, वो पूरी तहसील है हमारे यहाँ की। तो आओ मैं तुमको वहाँ का टूर कराता हूँ। बाकी ये बगल में जो है ना, वो दुकानें वगैरह हैं, कोई प्रिंट की दुकान है, कोई खाने पीने की दुकानें हैं, तो मतलब हाँ यहाँ पर काम तो पड़ता ही रहता है। और बैंक का बोर्ड लगा है, या बैंक तो कहीं दिख नहीं रही, देखियो कोई बैंक दिख रही है, बैंक का बोर्ड लगा है। बाकी यहाँ पर बहुत सी, देखो खाने की दुकान पीछे, राम के हलवाई, पूरी छेले, छोले भटूरे, और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें, विजय पेपर वर्क। तो यहाँ पे पेपर वर्क वगैरह के लिए दुकानें ज़्यादा हैं, बेसिकली प्रिंटर्स की दुकानें ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो आओ तुमको चलते हैं लेके तहसील। ऑलराइट गाइस, सो ये है हमारे यहाँ की सिरसागंज तहसील, ये है उधर की पार्किंग, थोड़ा कूड़ा कचड़ा है, माफ़ करना। यहाँ से है एंट्रेंस, उसके बाद सामने देखेंगे मोदी योगी, बेस्ट डुओ, और ये रहा मोदी योगी का बोर्ड पार्ट टू, और ये रहा तीसरा बोर्ड, और ये खड़ा है हमारा चौथा योगी जी, प्रियांशु। हेलो प्रियांशु भाई, हाय। ये देखो एक और जोड़ी, बेस्ट जोड़ी। और यहाँ पर बैठते हैं सारे वकील वगैरह लोग, ये देखो यहाँ पर बैठते हैं सारे वकील वगैरह। और ये देखो, ये नाम देख रहे हो, ये वाला, ये हमारे बाबा की है, यहाँ पर बाबा बैठते हैं। अब ये ब्लॉग बाबा तक ना पहुँचना चाहिए बस। और यहाँ पर वगैरह लाइन वगैरह से बैठते हैं लोग। और ये नोटेरी भारत सरकार, यहाँ पर दो हैं नोटेरी वकील, एक बाबा और एक यहाँ पर जो बैठते हैं चंद्रकांत सिंह यादव, तो ये दो लोग हैं यहाँ के मेन। और ये स्टाम्प की शॉप है, जहाँ पर मतलब स्टाम्प वगैरह लगते हैं बेसिकली। और बॉस आओ अंदर चलते। तो ये है सिरसागंज तहसील मेन ऑफिस, बेस्ट डुओ का फिर से बोर्ड, और ये है मेन ऑफिस, यहाँ पर लोग वगैरह काम करते हैं, मेन हेड वगैरह तहसील के जो होते हैं वो यहीं कहीं मिलते हैं। देखो दो तीन लोग भी खड़े हुए हैं यहाँ पर। हाँ तो लॉयर साहब, आप कुछ बताना चाहोगे तहसील के बारे में? भाई भूख लग रही, कैंटीन में। अबे कैंटीन वगैरह का छोड़ो, देखो पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं यहाँ पर। बाकी ये है हमारे यहाँ की पूरी तहसील, फिलहाल यह खाली हो चुका है, हम लोग इसीलिए शाम को आए थे। देखो कितने सारे वकीलों के बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पर, एडवोकेट बोलते हैं जिसे हम। हाँ ओके, और ये देखो वहाँ पर एक बोर्ड लगा है कार्यालय, बेसिकली इधर ये पूरा कार्यालय है जो कि मैंने तुमको अभी दिखाया। इसका अंदर का व्लॉग किसी और दिन दिखाएंगे जब खुला होगा। अंदर कार्य भी चल रहा है, अभी कार्यालय में कार्य चल रहा है। बाकी आओ इस तरफ देखते हैं क्या है। देखा जैसा कि हमारे यहाँ की तहसील आपने देख ली, और ये हमारे फ्यूचर लॉयर है, और वो देखो पीछे हमारे पीछे कुछ बिल्डिंगें दिख रही हैं तुमको, क्वार्टर वगैरह। हाँ ब्राइटनेस ज़्यादा आ रही है, वहाँ पर बेसिकली लोग रहते हैं, वकील वगैरह थोड़े बहुत, आई थिंक सो, है ना। और उसको साफ करवा दे भाई, क्रिकेट के लिए बंद कर दे। और ये देखो पूरा ग्राउंड पड़ा हुआ, वकील लोग यहाँ क्रिकेट खेलते होंगे, अभी क्रिकेट खेलते होंगे क्या? नहीं खेलते होंगे ना। मैंने कल एक पहेली पूछी थी, उसका आंसर आया किसी को? कमेंट किया नहीं किसी ने शायद, मुझे नहीं पता किसी ने आंसर दिया कि नहीं। मैं इससे पूछ लेता हूँ आज, बता भाई। बीमार नहीं रहती फिर भी खाती है गोली, बच्चे बूढ़े सब डर जाते हैं सुनकर इसकी बोली।
इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। एनी आंसर? देखो, बीमार नहीं रहती फिर भी खाती है गोली, बच्चे बूढ़े सब डर जाते हैं सुनकर इसकी बोली। हिंगोली से कौन डरता है यार? बंदूक की गोली। बीमार नहीं रहती फिर भी खाती है गोली, क्यों खाती है फिर? वो बीमार नहीं है तो गोली क्यों खाएगी? तुम नहीं दे सकते इसका आंसर ब्रदर। देखो, हम चलते चलते आ गए, तुमको अब बिल्डिंगें दिखा सकता हूँ। यहाँ पर ये रहे कार्य, वो क्या है भैया, क्वार्टर, मतलब जहाँ लोग रहते हैं, वकील वगैरह बेसिकली। तुम हमसे मिलने आया करोगे यहाँ पे? ऐसे ही हम इनसे मिलने आया करेंगे अपनी ऑडी मस्टैंग में, और ये आया करेंगे टैक्सी में, थार में। जस्ट किडिंग, उल्टा हो सकता है। बाकी ये कैसा लगा तुमको हमारे यहाँ की तहसील भाई? शौचालय बे, अभी तो कुछ कैसा लगा तुमको हमारे यहाँ का तहसील? हम तुमको थोड़ा बिल्डिंग दिखा देते हैं। ये रही क्वार्टर जहाँ पर वकील वगैरह रहते हैं, बहुत सारे हैं यार कसम से। देखो देखो देखो, गोकुलधाम सोसाइटी पार्ट 3 यहीं बना दिया मैंने। और यहाँ पर रहते हैं हमारे उप जिला अधिकारी, जो कि थे, हमें भी नहीं पता कौन थे, लेकिन उनका घर ये है, जो हैं। और यहाँ पर आगे जाके हमारे मंत्री जी का एक वो बना हुआ है, ऊपर कुल्लड़ की चाय पीती है मंत्री जी के ऊपर, चाय पीने वाले वकील, सैवेज वकील्स मंत्री जी के ऊपर बैठ के चाय पीते हैं, श्री योगी आदित्यनाथ जी और जयवीर सिंह जी, और इनके ऊपर कुल्लड़ी कुल्लड़, और नीचे भी कुल्लड़ी कुल्लड़। और ये देखो, एक ये और बना हुआ क्वार्टर, बहुत सारे हैं यहाँ पर। और ब्रीजा भाई, यहाँ कितनी, एक ब्रीजा, दूसरी ब्रीजा, बस दो ही, दो ही में पूरा पूरा संविधान बन जाता है इनका। और ये देखो, पीछे से तहसील कुछ ऐसी दिखती हो भाई। ये ग्राउंड अगर खाली है, इसको साफ कर दिया, एकदम क्रिकेट के लिए मस्त हो जाएगा ये। फिलहाल मैंने कहा था ये साफ हो जाए तो अच्छा लगेगा, तो भाई का आंसर है तहसील ही हटवा दो यहाँ से, क्रिकेट के लिए स्टेडियम बना दो। तो अभी हम तहसील से निकलते हैं भाई, बनेगा तो बढ़िया स्टेडियम। अबे तहसील वकील लोग कहाँ जाएंगे? वकील लोग द्वारा बाम पहुँचने, सरकारी बगिया, सरकारी बगिया अभी तुमको दिखाता हूँ, जहाँ पर हम मंदिर में गए थे, किसी दिन दिखाएंगे। फिलहाल अभी यहाँ से चलते हैं कहीं और, चलो। ये बंदा है शर्मीला, जो अभी तक ब्लॉग में नहीं आता, चुपचाप छुप के रहता है। आए बस, इसके पीछे पूरी तहसील दिख रही है। ये जगह कैसी है इतना बता दो बस। तो यहाँ भाई मैंने इससे कहा क्रिकेट खेलेंगे यहाँ पर, ये बंदा कहता है तहसील हटा दो। ओके, ओहो जगह बढ़िया यार बैडमिंटन के लिए। वैसे चलो चलते हैं घर। भाई मैं अभी जा रहा था तहसील से बाहर, मैं इस रास्ते पे आया, देखो दूसरा रास्ता उधर से इधर वाले पे, और यहाँ देखो ये क्या है। हाँ इसको छोड़ो, आगे दिखाते हैं, आ जाओ। देखो पहली चीज, तहसील के अंदर ही है यहाँ पर गैराज, सोड़ी का गैराज, थार वगैरह यहाँ रिपेयर होती हैं। बंदी गृह, भाई जेल भी यही है, बंदी गृह जेल। तो जिसको भी जेल करवानी हो इस अपने आप को, यहाँ चुपचाप आ भाई बंदी। एक सेकेंड बच्चे, एक पहेली का आंसर दे सकता है, सोच के देख ले। देख, बीमार नहीं रहती फिर भी खाती है गोली, बच्चे बूढ़े सब डर जाते हैं सुन के इसकी बोली। आंसर ढूंढ लो। शौचालय, शौचालय में ताला, अब किसी को आए तो यहाँ पंप हाउस पे कर सकता है आके। चलो चलो चलते हैं घर, घर चल। सो गाइस, तहसील के बाद में आ गया घर, और रात हो चुकी है। तो सभी लोगों को राधे कृष्णा, शुभ रात्रि, और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। होप करता हूँ तुमको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना ब्लॉग को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ तुमसे कल के ब्लॉग में, टिल देन बाय।